हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आमिर असलम हियर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्टिव और पैसिव के बारे में, है ना। इससे पहले भी कुछ वीडियो आपको एक्टिव पैसिव का दिया जा चुका है, अभी कुछ और वीडियो में देख लेंगे हम कुछ एक्टिव पैसिव। यू नो वेल कि एक्टिव पैसिव आपके एग्जाम में पूछता है नहीं। आप सीजीएल वगैरह एग्जाम की अगर बात करते हैं सीजीएल की, तो आप जानते हैं कि 2025 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एक्टिव पैसिव से ही पूछता है। कभी कभी तो एलडीसी के एग्जाम में भी आप देखिएगा कि एक दो आपको एक्टिव पैसिव वहां पर आपके क्वेश्चन पूछ देता है। डेट वाई एक्टिव पैसिव करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूंगा कि जब आप एक्टिव पैसिव कर रहे हो, मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूं, तो आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि बस मैं एक्टिव पैसिव में कर रहा हूं तो 20 to 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे मैं उसे सोल्व कर लूंगा, इसके अलावा भी मुझे कहीं काम नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप एक्टिव पैसिव अच्छे से आप करेंगे तो ये बहुत जगह आपको हेल्प कर सकता है। कॉमन इनर वे में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? करना है तो कुछ नहीं, एक सेंटेंस लिख देगा, उसको चार पांच वो फोर फाइव वो क्या कहते हैं पार्ट में उसको आप डिवाइड करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये आपसे पूछ सकता है। और जब आप एक्टिव पैसिव अच्छे से करने लगेंगे, डेट मीन्स आपको सेंटेंस की अच्छी समझ है, तो फिर आप पैसेज वगैरह आप पढ़ेंगे या पेपर द हिंदू वगैरह आप पढ़ेंगे, वहां भी आपको काफी अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। फिलर्स जब आप बनाएंगे वहां आपको क्लियर होगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप कॉमन एरर्स कर रहे हो, तो मैं वहां ही बता रहा था कि सिर्फ देखो कॉमन एरर्स को इतना सोच के मत करो कि तो सिर्फ 5 या 8 मार्क्स का या 10 to 12 मार्क्स का जो आपका एग्जाम में आता है बस वही करूंगा। नहीं, आप वो करिए, कॉमन एरर्स कीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कीजिए, एक्टिव पैसिव कीजिए, सबका पर्पस होता है, ठीक है ना, लैंग्वेज पे पकड़ बनाना। आपका एग्जामिनर पूछता भी इसीलिए कि ताकि वो आपका लैंग्वेज पे आपकी कितना पकड़ है वो आपका टेस्ट लेता है। क्लियर है? तो अगर ये जहन में सोच लेते हैं कि यार मैं तो जो तैयारी करता हूँ, मेरे एग्जाम में एक्टिव पैसिव नहीं पूछता तो मैं क्यों करूँ, नहीं, आप करो। क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव अच्छे से करने लगेंगे, मीन्स आपका सेंटेंस की आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, कॉमन एड्स वगैरह में बहुत हेल्प हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी बहुत हेल्प होगा। पैसेज कुछ भी आप पढ़ते हैं, कोई ऐसे पढ़ते हैं लिखते हैं, क्लियर है, तो ये चीज आपका बहुत ही बेनिफिट आपको वहां पे साबित होगा, जैसे आप इसको बहुत अच्छे से करें। क्लियर है? और ये जितने भी जो तरीका है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का करना, या फिर कॉमन एरर्स है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ये जो भी आप फिलर्स वगैरह देखते हो, सबका पर्पस होता है लैंग्वेज पे ग्रिप बनाना। तो एक्टिव पैसिव तो डियर बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, एक लैंग्वेज पर पकड़ के लिए। चलिए, ये चीज है। अब एक चीज आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो एक्टिव पैसिव से जो क्वेश्चन पूछता है, तो दो तरीके से पूछते हैं। जो डायरेक्ट एक्टिव पैसिव के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप जानते हैं, वो दो तरीके होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो आपके एक्टिव में दिया हो। किस में दिया हो? एक्टिव में क्वेश्चन दिया होगा, एक्टिव में आपका क्वेश्चन दिया होगा, और फिर नीचे जो चार ऑप्शंस होंगे तो उसमें वो पूछ रहा होगा, है ना। और वो जो चार ऑप्शंस होंगे वो पैसिव के होंगे, तो पूछ रहा होगा कि इसका सही ऑप्शंस कौन सा होगा। सेंटेंस एक्टिव में होगा और उसका पैसिव फॉर्म आपसे पूछ रहा होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि सेंटेंस जो ऑलरेडी वो पैसिव का होगा, सेंटेंस किसका होगा, वो ऑलरेडी पैसिव का ही होगा। क्लियर है? और जो नीचे जो चार ऑप्शंस दिए होंगे वो एक्टिव का होगा, और फिर वो आपसे पूछ रहा होगा कि इसका सही एक्टिव फॉर्म कौन होगा। क्लियर है? ये चीजें हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लड़के जो है, स्टूडेंट्स जो है, जो मैं देख रहा हूं लड़कों को, तो वो एक प्रॉब्लम ये बहुत खुलकर सामने आती है कि लड़कों के बीच एक चीज क्या है कि एक्टिव से पैसिव तो बहुत वो इजिली करते हैं, लेकिन पैसिव से एक्टिव करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब आप एक्टिव से पैसिव कर ले रहे हैं तो पैसिव से एक्टिव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई जो प्रोसेस, ठीक है ना, जो रूल एंड रेगुलेशंस आप एक्टिव को पैसिव बनाने में करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं पैसिव को एक्टिव बनाने में। क्लियर है? तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम तभी होगी जब आपका सेंटेंस पे ग्रिप नहीं होगा, आप सेंटेंस को पहचान नहीं पा रहे होंगे सही से, फिर आपने एक्टिव पैसिव पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया हो। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मैंने बता दिया, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। क्लियर है? दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि देखिए, एक्टिव पैसिव करने के लिए सेंटेंस पे ग्रिप होना, सेंटेंस के अच्छे से पहचान होना बेहद जरूरी है। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आपको एक्टिव पैसिव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अगर आप चले बनाने, ठीक है ना, अगर टेंस पर बेस्ड ऑन अगर क्वेश्चन है, आपको साहब टेंस का रूल रेगुलेशन ही नहीं मालूम है, ठीक है, तो थोड़ी बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये जानते ही नहीं कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपको बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो सेंटेंस पे ग्रिप होना आपकी जरूरत है, जरूरी है। और यही वजह है कि मैं यहां पर आपको जो एक्टिव पैसिव में कराता हूं, तो मैं दोनों रूल्स आपको बताता चलता हूं, एक्टिव में इसका क्या होता है, पैसिव में करेंगे तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका थोड़ा सेंटेंस
पर अगर पकड़ कम भी है तो आप इसको करते चलें, कर लीजिएगा अच्छे से, पकड़ काफी अच्छी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो आप गौर से देखिए और अच्छे से देखिए, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। टेंस वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका जो रूल्स है स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है उसको थोड़ा ज़हन में बैठा लीजिए, दो चार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव से अक्सर बच्चे डरते हैं, क्लियर है, अक्सर बच्चे वो डरते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, डरना मना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसमान फाड़ के जमीन चीर के नहीं आएगा, ठीक है ना। वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो बना लीजिएगा। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉब्लम हैज बीन ट्रीटेड, ठीक है ना, बाय न्यूमरस एक्सपर्ट, क्लियर है। तो सबसे पहले कि सेंटेंस को हम देखते हैं, जब ये सेंटेंस को हम देख रहे हैं तो हमें पता ये चल रहा है कि सेंटेंस पैसिव का है, ये हमें पहले पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है। तो सेंटेंस कैसा, ये पैसिव का है, क्लियर, पैसिव में। तो अब इसका हमें एक्टिव फॉर्म ढूंढना है, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये किस टेंस का है, तो पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है। सेंटेंस पैसिव कैसे, सो देखते हैं, देखिए हैज, सेंटेंस पैसिव कैसे, तो देखते हैं कि देखिए हैज बिन प्लस वी थ्री प्लस बाई, क्लियर है, इतना ही क्लियर कर रहा है कि हैज बिन, हैव बिन प्लस वी थ्री, ये क्लियर कर दे रहा है कि सेंटेंस क्या है, पैसिव का है। अब पैसिव में भी किसका ये है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट का, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव जो होता है एक्टिव, तो उसका एक्टिव में उसका क्या स्ट्रक्चर होता है ये देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, क्लियर है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बिन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, क्लियर है ना, बाई प्लस एजेंट, यही हम करते हैं। अब एक साथ बाई प्लस एजेंट अंडर ब्रैकेट क्यों है, दो वजह से है। दो वजह ये है कि जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, हर वर्ब के साथ बाई यूज होगा ही, क्लियर है। कुछ ऐसे भी वर्ब है जो अपने साथ बाई नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ब जो अपने साथ टू लेते हैं, कुछ ऐसे जो अपने साथ विद लेते हैं, कुछ ऐसे जो अपने साथ एट लेते हैं, क्लियर है। एक तो ये वजह, और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि ये भी जरूरी नहीं कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई प्लस एजेंट लिखते ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहां पे हम बाई प्लस एजेंट को नहीं लिखते, वहां से हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना। और उससे घबराने की बात नहीं है, अपन का सेंटेंस गलत नहीं होता है। तो किस किस कंडीशन में करते हैं, अपने पहले कुछ वीडियोस में आपको बता चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। कमिंग में अगर इस वीडियो से अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। तो अब चलते हैं, तो यहां हम देख चुके हैं कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव का है, अब अपन को इसमें एक्टिव में करना है। तो हम क्या करते हैं, जब एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखते हैं, यही करते हैं ना। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो बाई प्लस एजेंट, यहां पर एजेंट क्या है, वो एक्टिव का जो जो कि सब्जेक्ट वही है, तो उसको हम लिखते हैं। तो जब अब पैसिव से एक्टिव करेंगे तो सबसे पहले ये जो बाई प्लस एजेंट देख रहे हैं, तो बाई को हटा कर ये जो एजेंट है जो कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, यहां पे एक्टिव का सेंटेंस का यहां पर जो सब्जेक्ट आ रहा है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, लिखना है ना, इसको लिखेंगे। और ये अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में कर देंगे। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इसका कौन है, न्यूमरस एक्सपर्ट्स, तो न्यूमरस एक्सपर्ट को सबसे हम पहले लिखते हैं, क्लियर है। देखिए चार ऑप्शंस में वही क्या है कि न्यूमरस एक्सपर्ट हर जगह कर दिया है। उसके बाद हमें हैज, हैव प्लस बीन चाहिए, सब्जेक्ट देख लेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज यूज कर ले लेंगे। तो न्यूमरस एक्सपर्ट के साथ क्या यूज किया जाएगा, न्यूमरस एक्सपर्ट के साथ हम हैव यूज करते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, देखिए न्यूमरस एक्सपर्ट के साथ हैव यूज किया गया है, यहां भी देखिए हैव यूज किया है, क्या है ना, और हमारा सब्जेक्ट बनाया भी है न्यूमरस एक्सपर्ट दोनों में। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, वी थ्री चाहिए। याद रखिए इस क्वेश्चन में हम पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हमें क्या चाहिए, वी थ्री, यहां पर रूल देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से हैव हो गया, अब हमें क्या चाहिए, वी थ्री, ठीक है ना। अब पहला ऑप्शन में क्या कर दिया, बिन ट्रीटिंग, हमें नहीं चाहिए बिन ट्रीटिंग, क्लियर है ना, हमें तो हैव के बाद अब सीधा वी थ्री चाहिए, वी थ्री यहां पर है, ट्रीटेड। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा द प्रॉब्लम, ये देखिए ये जो प्रॉब्लम था यहां पर आ गया, द प्रॉब्लम, क्लियर है। दैट्स व्हाई हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, टू, ठीक है ना। थर्ड क्यों नहीं होगा, चूंकि यहां पर हैड बीन ट्रीटिंग कर दिया, नहीं होगा, हमें सिर्फ हैज प्लस वी थ्री चाहिए। फोर्थ क्यों नहीं होगा, यहां पर
क्या कर दिया, न्यूमरस एक्सपर्ट ट्रीटेड भी टू, डेट्स ये भी नहीं होगा। अब देखिए कितना एक मजे की बात कि न्यूमरस एक्सपर्ट हैव ट्रीटेड प्रॉब्लम, अब इसको भी क्या है कि एक पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना जो क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम को पहले लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन द प्रॉब्लम को पहले कर दिया है, अब क्या करते हैं हैज, हैव में द प्रॉब्लम के साथ हैज करेंगे, क्योंकि ये यही देखिए यहाँ पर रूल पर हैज हो गया। उसके बाद बिन, देखिए क्वेश्चन में आपका बिन है, उसके बाद वी थ्री चाहिए, देखिए क्वेश्चन में आपका वी थ्री ट्रीटेड, उसके बाद बाई चाहिए, बाई आ गया, उसके बाद हमें चाहिए एजेंट, एजेंट कौन होता है, एक्टिव का सब्जेक्ट, न्यूमरस एक्सपर्ट, क्लियर है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं तो पैसिव से एक्टिव भी ठीक उसी तरह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो प्रोसेस हम एक्टिव से पैसिव करने के लिए करते हैं उसका उल्टा हम करने लगते हैं, पैसिव का पैसिव को एक्टिव में करने के लिए, क्लियर है। आइए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे कहता है डोंट इंसल्ट हिम, अब याद रखिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत डोंट प्लस भीवन से होती हो, जिसे हम निगेटिव इंपरेटिव भी कहते हैं, है ना, डोंट प्लस भीवन से होती हो, जैसे लिखता हूं देखिए कि अगर एक्टिव में क्या हो, डोंट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता हो, डोंट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे कि डोंट इंसल्ट हिम, क्लियर है, डोंट ओपन द डोर, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, क्लियर है, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो डोंट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, देखते हैं पैसिव में, पैसिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट, उसके बाद हम लिखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, क्लियर है, उसके बाद हम यूज करते हैं नॉट, क्लियर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका बी प्लस वी थ्री, क्लियर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी थ्री, फिनिश। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं, तो कहता है यहां पर देखिए डोंट से शुरू हुआ है, उसके बाद भी वन इंसल्ट, उसके बाद ही में ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या करने का है, लेट, तो अपन सबसे पहले यहां पर लेट को लिखेंगे, लेट, उसके बाद हिम को लिखने का है तो क्या होगा, लेट हिम, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट लिखना था ना, तो हिम कर दिया, हिम कहां से आया, रूल में देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम आ गया, उसके बाद अपन को क्या चाहिए, नॉट, तो यहां पर हो गया नॉट, फिनिश। उसके बाद क्या चाहिए, बी, है ना, लेट हिम नॉट, फिर ये जो बी है बी, उसके बाद क्या चाहिए, वितरी, इसका वितरी क्या है, इंसल्ट का क्या होगा, इंसल्टेड बी, क्या होगा, इंसल्टेड, फिनिश। अब ऑप्शन में देखो कहां है, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर टू, लेट बी है, हिम नॉट बी इंसल्टेड, ऑप्शन नंबर टू, देखिए जो मैंने भी बनाया लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड वही बना, मैंने इसी का बनाया था, इसी क्वेश्चन को नीचे सॉल्व किया, मिला लीजिए ऑप्शन नंबर टू, रूल से मिलाइए, लेट पहले आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट चाहिए नॉट है, उसके बाद बी चाहिए बी है, बाद भीतर चाहिए इट इज इंसल्टेड, ऑप्शन नंबर टू, फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड, ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले तो जाने कि सेंटेंस एक्टिव का है तो या पैसिव है, तो ऑब्वियसली देखने से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या है, ये पैसिव का है, सेंटेंस क्या है, ये पैसिव का है, और पैसिव में भी किस टेंस का है, तो ये पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट का है, किसका पता चल रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट का है, कैसे, तो आइए मैं फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव, एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव दोनों लिख देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, और उसके बाद जब हम बात करते हैं एक्टिव, फ्यूचर परफेक्ट जब एक्टिव की बात करते हैं तो क्या होता है एक्टिव में, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव वी थ्री ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, शैल या विल हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, किसमें होता है ये, किसमें होता है, एक्टिव में, किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, लेकिन जब इसका हम पैसिव की बात करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को पहले यहां लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, सेल विल हैव प्लस बिन प्लस वी थ्री
प्लस बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट, क्लियर है। तो अब यहां आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि द विनर्स, क्लियर है। उसके बाद कहता है कि विल हैव बीन, देखो मैं क्या कर रहा था कि पैसिव में है, पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए है ना, विल हैव बीन, देखिए विल हैव बीन प्लस वी थ्री, क्लियर हो गया कि सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव का है। अब यहां पर एक चीज हमें अब क्या करना है, एक्टिव करने के लिए हमें सबसे पहले, समय सबसे पहले क्या करना होगा कि पैसिव का जो हम यहां पर बाई प्लस एजेंट लिखते हैं, हम उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब तो कहेगा सर इसमें तो है ही नहीं, फैसिलिटेटेड इंड है, अब इसमें हम सब्जेक्ट किसको लिखें? तो याद रखिएगा कि यहां पर सब्जेक्ट हिडन है, क्लियर है, वो नहीं लिखा गया है, हिडन है। कब नहीं लिखते हैं और हम समझ जाते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए, अगर आगे थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा अगर हम आगे बढ़ा दें तो हम कर सकते हैं बाई, बाई के बाद हम कर सकते हैं देम, बाई के बाद हम कर सकते हैं अस, बाई के बाद हम कर सकते हैं समबडी, कुछ स्टेप्स हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं और एक क्यों नहीं लिखा, तो याद रखिएगा मैंने अभी पहले भी बताया था कि बाई प्लस एजेंट को इसी वजह से कि ब्रैकेट में करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम हमेशा पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट को लिखें। याद रखिएगा कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी होता है, वी हम लोग है ना, तो फिर हम पैसिव वॉइस में बाई अस जनरली नहीं करते। फिर इसी तरह कि जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दे होता है, दे वे लोग, तो पैसिव वॉइस में हम बाई देम जनरली नहीं करते हैं, क्लियर है, नहीं लिखते हैं पैसिव वॉइस में, नहीं लिखते। अब यहां पर तो अब तो कुछ आया नहीं है, तब इसका मतलब है कि नहीं आने का मतलब क्या हो रहा है कि वही चंद सब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम अवॉइड करते हैं, उन्हीं में से कुछ हो गए, ठीक है ना, तो आगे कुछ है नहीं। तो विनर्स को किसके द्वारा, किसी के द्वारा ही प्राइज दिया जाएगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट ने प्यार से हर जगह दे लाया है, दे दे दे, क्यों कर दिया दे, इसलिए साहब कि आगे पैसिव को बढ़ाता तो क्या करता था, फेलिसिटेटेड बाई देम, यही करता ना, फेसिलिटेटेड बाई देम, जब बाई देम कर देता तो फिर आराम से हम दे को सब्जेक्ट बना सकते थे। तो यहाँ क्या नहीं हिडन किया है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है क्या है नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी भी सब्जेक्ट क्या होता है, दे होगा, वी हो, पीपल हो, समबडी हो, समवन हो, तो पैसिव वॉइस में जनरली उमूमन हम उसे नहीं लिखते हैं। तो एक्टिव में तो लिखना पड़ेगा ना, एक्टिव में सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, दे दे। अब हम एक्टिव में जा रहे हैं तो फिर हमें क्या चाहिए, सेल विल हैव चाहिए, सेल विल हैव प्लस में भी चाहिए है ना। तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल, यहां भी देखिए दे के साथ विल यूज हुआ है, सेकंड ऑप्शन तो खत्म, चूंकि हैव यूज कर दिया, हमें क्या चाहिए, विल, ठीक है ना, यहां भी है विल, यहां भी विल, हमें चाहिए विल हैव, देखिए विल हैव यहां भी है और विल हैव यहां भी है, और यहां विल के बाद हैव नहीं, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, विल हैव है ना, विल हैव के बाद सीधा वी थ्री, हम कहां जा रहे हैं, एक्टिव में। तो अब यहां देखिए विल हैव के बाद यहां पर कर दिया है बिन, जो कि नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये पैसिव में है, हमें तो एक्टिव करना है ना, सीधा वी थ्री, हमें चाहिए फेलिसिटेटेड, ठीक है ना, दे विल हैव फेसिलिटेटेड द विनर्स बाय नाउ, ऑप्शन नंबर फोर, क्लियर है। तो लिख लीजिएगा, देखिए कितना सिंपल से हम पकड़ा जा रहे, इतना सिंपली पकड़ ले आदमी कर रहा है ना कि एक्टिव से पैसे पैसे से। तो मैं ये कह रहा था कि सेंटेंस पर अगर आपका ग्रिप हो गया तो आप बहुत इजीली कोई भी चीज को करने लग जाएंगे, समझे। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे कहता है कि आई वॉज सैंक्शनड द लोन बाय द ऑफिस, I was sanctioned the loan by the office. अब देखिए सेंटेंस ऑलरेडी ये पैसिव का आपको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए भाई was के बाद आपका क्या यूज किया, भीतरी, और हम जानते हैं कि was verb के बाद भीतरी हम पैसिव में ही यूज करते हैं, एक्टिव में नहीं है ना। अब ये देखना है कि किस टेंस का पैसिव है, किस टेंस का पैसिव है, तभी तो आप उसको एक्टिव में सही से कर पाओगे। याद कीजिए पास्ट इनडिफिनिट, पास्ट इनडिफिनिट का जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं पैसिव वॉइस में, हम वॉज या वर यूज करते हैं। तो आइए मैं दोनों स्ट्रक्चर को लिख देता हूं। तो जब कभी भी देखिए एक्टिव वॉइस में जब हम पास्ट इंडिफिनिट को लिखते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वी टू और ऑब्जेक्ट। फिर इसको जब हम पैसिव में लिखते हैं, जब इसको हम पैसिव में लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज, वर, वी थ्री बाई प्लस एजेंट, क्लियर है, ये होता है ना। तो कहता है कि अब यहां पर देखिए क्या कहता है कि आई वोज, देखिए वोज हो गया, आई के बाद क्या आ गया, वोज, उसके बाद देखिए क्या, वी थ्री आ गया,
ठीक है ना, बीच में आप देखो देख रहे हैं सैंक्शंड, उसके बाद क्या बाई, क्या बाई, उसके बाद एजेंट द ऑफिस। बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस पैसिव का है और पैसिव में किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो जब एक्टिव में करेंगे तो सबसे पहले द ऑफिस को हम पहले लिखेंगे, यही तो करते हैं ना, कि जब कभी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को यहां बाई के बाद लिखते हैं, है ना। लेकिन जब पैसिव को एक्टिव करना हो तो क्या करेंगे कि बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम पहले लिखेंगे, उल्टा करना है उसको पहले लिखेंगे। जब उसको हम पहले लिखेंगे तो हमें क्या होगा, द ऑफिस, द ऑफिस पहले लिखा जाएगा, है ना, द ऑफिस। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वी टू, द ऑफिस के बाद हमें क्या चाहिए, वी टू, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। अब आइए ऑप्शन को हम ढूंढते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले द ऑफिस, द ऑफिस, देखिए सभी को द ऑफिस पहले कर दिया और हमें सीधा चाहिए वी टू, है ना। तो होगा कि द ऑफिस, ठीक है ना, वी टू चाहिए, ठीक है, देखिए हाँ वी टू, क्लियर है, सैंक्शंड, उसके बाद क्या चाहिए, मी, ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद है द लोन, क्लियर है, फिनिश। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड। और इसी को आपको यहां पर बनाया था कि आई को क्या किया, आई को पहले कर दिया है, आई, है ना, उसके बाद चूंकि, अब देखिए, अब ये जो मैं बता रहा हूं कि द ऑफिस सैंक्शन मी द लोन, इसका अगर आप थोड़ा सा एक्टिव बनाना चाहो तो क्या करोगे, मी को सबसे पहले लिखेगा, देखिए मी को यही क्या ना पहले लिखा, उसके बाद वॉज, एवर, आई के साथ वॉज करना है, वॉज कर दिया है, उसके बाद भीतरी चाहिए, भीतरी सैंक्शन कर दिया है, उसके बाद चाहिए भीतरी के बाद, है ना, बाई प्लस एजेंट चाहिए, ठीक है ना, तो सैंक्शन है ना, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लाया, फिर द लोन, उसके बाद क्या चाहिए, सैंक्शन द लोन, उसके बाद क्या चाहिए, बाई के बाद एजेंट, बाई ऑफिस, यही क्या है ना, तो लिख लीजिए। और ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। आगे बढ़े, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है ओपन द विंडो, नेक्स्ट क्या कहता है, ओपन द विंडो, याद कीजिए आपने पढ़ा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिससे ऑर्डर, है ना, रिक्वेस्ट या एडवाइस का पता चलता हो, है ना, जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का पता चलता हो, है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्लियर है। तो जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का पता चलेगा, किसका पता चले, ऑर्डर का पता चलेगा, ठीक है, तो इसका एक्टिव में जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लियर है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे आप देखिए क्या ऑर्डर है, ओपन V1, द विंडो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस, और एक ऑर्डर की बात हो रही है यहां पर। तो ऐसे सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का, जिससे ऑर्डर का पता चलता हो, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना, ये तो आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव का V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम इसे पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं बी, उसके बाद लिखते हैं V3, क्लियर है, सबसे पहले क्या लिखते हैं लेट, उसके बाद क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए लेट, तो आप ऑप्शन पे देखिए सिर्फ चौथे नंबर का ऐसा ऑप्शन है, फोर्थ नंबर का है, सबसे पहले क्या है लेट, उसके बाद हमें क्या चाहिए, द विंडो, मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट करने का है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, तो लेट द विंडो, फिर क्या चाहिए यहां पर देखिए, बी बी, V3 क्या चाहिए, ओपेंड, ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, याद कीजिएगा इसको। अब एक साहब जब एडवाइस होगा तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट होगा तो क्या करेंगे, जब एडवाइस या रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जब मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, आप देखिएगा उसमें मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, आगे कहता है कि डिफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड्स। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का और एक्टिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्यों है, चूंकि हैज प्लस V3, और आप जानते हैं कि हैज प्लस V3 हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का फॉर्म क्या होगा, फिर उसका पैसिव का फॉर्म क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव का फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका फिर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे,
पैसिव बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, है ना, उसके बाद हैज हैव लिखते हैं, प्लस बिन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, क्लियर है। फिर बाई प्लस एजेंट को अंडर ब्रैकेट क्या, क्यों, चूंकि आप जान रहे हैं कि हर जगह बाई प्लस एजेंट हम नहीं लिखते हैं, है ना, कहीं लिखा जाएगा कहीं नहीं भी लिखा जाएगा। तो अब ये सेंटेंस आप देख लो, डिफोरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल, यही है ना एक्चुअली ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देख रहे हो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो सबसे पहले जो रेनफॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ उसे हमें पहले लिखना है ना, उसे हम पहले लिखते हैं, एक्टिवाइज वही तो करते हैं। फिर हमें क्या चाहिए कि रेनफॉल हैज बीन, रेनफॉल हैव रिड्यूस्ड, इतना मुझे पहले चाहिए। तो देखते हैं कि रेनफॉल, अब यहां पर देखो रेनफॉल हमें पहले सब्जेक्ट को बनाना है, रेनफॉल यहां सब्जेक्ट है, रेनफॉल यहां भी सब्जेक्ट है ना, हमें क्या चाहिए कि रेनफॉल हैज बीन, वी चाहिए रिड्यूस्ड, ठीक है ना। अब फिर यहां पर भी देखिए क्या कर दिया है कि क्यों हो रहा है रेनफॉल रिड्यूस्ड, क्यों हो रहा है, तो डिफोरेस्टेशन के कारण, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, है ना। तो फिर यहां पर देखिए बाय नहीं बल्कि ड्यू टू, क्या है कि ड्यू टू डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड, क्लियर है ना। अब यहां पर क्या कर दे, रेनफॉल हैज बिन रिड्यूस्ड, ठीक है ना, एंड कॉज डिफोरेस्टेशन, पूरा सेंटेंस उलट फेर कर दिया है, नहीं होगा। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना रहता है, तो रिड्यूस्ड क्या है, रेनफॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किए, उसके बाद हैज हैव चाहिए तो हैज, उसके बाद क्या चाहिए था अपन को, बिन बिन वी थ्री रिड्यूस्ड, क्यों, बाई नहीं बल्कि करा है कि डिफोरेस्टेशन के कारण, ड्यू टू मीन्स क्या होता है के कारण, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल लैंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लियर। तो आगे देखते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि टेंस का या फिर कोई सेंटेंस का पकड़ होना बहुत जरूरी है। जब आप सेंटेंस को अच्छे से जब आप पकड़ लेंगे, जानने लगेंगे, एक्टिव पैसिव बहुत इजीली कर लेंगे। अगर यही चीज आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, होगी, है ना। आप सारे वीडियोस को एक्टिव पैसिव का मेरा देखना, अच्छे से सबको देखोगे, नोट करते हुए देखिए, जो रूल रेगुलेशन मैं बता दे रहा हूं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एक्टिव पैसिव से। देखिए आगे कहता है कि द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन, द डॉक्टर बैंडेज्ड द आर्म्स, ठीक है ना, ऑफ द इंजर्ड मैन। अब यहां पर देखो डॉक्टर सब्जेक्ट, बैंडेज्ड वी टू, उस बात कहता है कि द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किसका स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडिफिनिट, नहीं पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर जब इसका हम पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, एक्सिलरी वर्ब, वाज वर्ब, है ना, प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, फिनिश, यही करते हैं। देखो मैं एक्टिव पैसिव में दोनों लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, हाँ सेंटेंस का एक्टिव है, एक्टिव में है, तो एक्टिव में अगर किस टेंस का है तो उसका क्या रूल होगा, उसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा, है ना, या जिस सेंटेंस जो आपका क्वेश्चन हो, जिस सेंटेंस से रिलेटेड होता है, मैं उसका एक्टिव में भी फॉर्म लिख दे रहा हूं, पैसिव में भी फॉर्म लिख दे रहा हूं, और आप इसी तरह से आप फॉलो करेंगे, है ना, ताकि आपको समझने में बेहद आसानी होगी। तो अब जो हमारा यहां पर साहब, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, है ना, द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन पूरा, ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन, ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वॉज या वर, इसके साथ द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन के साथ क्या चाहिए, वॉज, देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग ऑप्शन, फर्स्ट में देखते हैं, कहता है द आर्म्स ऑफ द इंजर्ड मैन, क्लियर है, उसके बाद चाहिए वॉज, वॉज भी है, उसके बाद क्या चाहिए, बेहतरी बैंडेज, उसके बाद बाई, है ना, उसके बाद एजेंट, एजेंट आप जानते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, तो एक्टिव का सब्जेक्ट यहां पे क्या है, द डॉक्टर, द डॉक्टर लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है ना, और नेक्स्ट ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है, ट्राई अगर आप कर सकते हैं सब आपको गलत मिलेगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखो कहता है कि हु रोट इट, हु रोट इट किस टेंस का होगा, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि आप देखो रोट किया है आपका वी टू है, और यहां पर इट आपका ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। आइए देखते हैं, थोड़ा पहले लिख दो, लिखते हैं, एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होता है
वी टू ऑब्जेक्टिव ही होता है ना, और लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है ना, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं उसके बाद हमें चाहिए वोज वर प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस एजेंट, ऑब्जेक्ट को पहले उसके बाद क्या होगा वॉज वर प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस एजेंट। अब कहता है, अब एक चीज और याद रखिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय याद रखिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत हु से हो, इफ सेंटेंस स्टार्ट विद हु से होता है तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हु चेंज इन टू बाई होम, हु किस में चेंज हो जाता है, बाय होम। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय होम, और जान लीजिए कि बाय होम क्या आपका एक डब्ल्यू एच वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके जस्ट बाद हमें एक्सिलरी वर्ब चाहिए, और हमें एक्सिलरी वर्ब क्या चाहिए, वॉज या वर चाहिए। तो क्लियर है ना? तो पहले लिखते हैं बाय होम, तो अब देखते हैं कि बाय होम कहां कहां क्या किस ऑप्शन में, फर्स्ट में क्या बाय हु, गलत, सेकंड में क्या बाय होम हो सकता है, और ट्राई करते हैं, थर्ड में कहता है बाय होम, देखिए ये भी गलत, फोर्थ में कहता है बाय, थर्ड में है बाय हु ये भी गलत, फोर्थ में कहता है बाय हु ये भी गलत, हमें क्या चाहिए हु किसमें चेंज होता है, बाय होम किसमें क्या सेकंड, सिर्फ इतना पे ही ट्राई करते हैं तो हमारा ऑप्शन पकड़ा जा रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर होगा टू, लेकिन हम पूरा ट्राई कर लेते हैं, पूरा सब देखते हैं सब फुलफिल कर रहा है नहीं रिक्वायरमेंट्स को। देख तो बाय होम, उसके बाद हमें चाहिए वॉज या वर, ठीक है ना, तो इट के साथ क्या लगेगा वॉज, तो बाय होम वॉज, उसके बाद क्या चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आएगा ना ऑब्जेक्ट जो है लिखते हैं उसको, उसके बाद क्या चाहिए इट, उसके बाद हमें क्या चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटेन, क्लियर, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लियर है? चलिए आज भर बस इतना, फिर आगे मिलेंगे हम आपके कुछ और वीडियोस में एक्टिव पैसिव के साथ, तब तक के लिए ओके गुड बाय।